सफाई कर्मचारी अते फायर ब्रिगेड कर्मचारियों का धरना 10वें दिन भी जारी। सफाई कर्मचारी अते फायर ब्रिगेड कर्मचारियों का धरना अज 10वें दिन विच प्रवेश कर रहा है। धरने ते बैठे सफाई कर्मचारी अते फायर ब्रिगेड कर्मचारियों नूं सर्व कर्मचारी संघ सीटू अते होर कर्मचारी यूनियन का समर्थन मिल रहा है। मैं बलजिंदर खेड़ा, प्रधान सर्व कर्मचारी संघ ब्लॉक गुला, और हम यहाँ हड़ताल 10वें दिन की, आज कर्मचारी नगर पालिका एवं अग्निशमन सर्व के कर्मचारियों की 10वें दिन की हड़ताल के समर्थन में सर्व कर्मचारी संघ और सीटू के सहयोग से आज शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विदा जैन के पुतले का दहन किया है। और इसकी मुख्य मांगे यही रही है कि सभी कर्मचारियों का जो विदा जैन की तौर से शोषण किया जा रहा है, कर्मचारियों की नौकरी पर, रोजगार पर जो हमले किए जा रहे हैं, हम उसके लिए सर्व कर्मचारी संघ की ओर से कड़ी निंदा करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इन हड़ताली कर्मचारियों की स्वास्थ्य, जो शहरी निकाय मंत्री क्विदा जैन और सीएम खट्टर के साथ जो बातचीत हुई है वो एक नकारात्मक बातचीत हुई है। सरकार को इस फैसले पर जल्द से जल्द कोई निर्णय लेना चाहिए कि सभी कर्मचारियों के भविष्य का सोचते हुए इन कर्मचारियों के रोजगार की सुरक्षा दी जाए, जो सभी कर्मचारियों के भत्ते एवं सभी मांगे हैं वो कर्मचारियों की मांगे माने जाए, समान काम समान वेतन लागू किया जाए, सभी प्रकार के कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, और जो कच्चे कर्मचारी ठेका प्रथा के तहत लगे हुए हैं उनके द्वारा ठेकेदारों को बीच से हटाकर सीधे निगम के रोल पर लगाए जाए, और कर्मचारियों के भविष्य को देखते हुए सभी के रोजगार को सुरक्षित करवाया जाए। सेंट्रल ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन जो है उसका मैं जिला का प्रधान हूँ। प्रधान होने के नाते जब से ये जो आंदोलन चल रहा है नगर पालिका का, सफाई कर्मियों का, उसका हमारा तय दिल से समर्थन है और हम आश्वासन दे रहे लगातार। आप तुलना इसे चिक्का की तुलना में करें, पूरे हरियाणा में 30,000 कर्मचारी आज हड़ताल के ऊपर है, और जो जो बातचीत का न्यूता मिला है असफलता हासिल हुई है। बातचीत का मैं जो जो हमारा दमावड़ा जो है अपने हकों अधिकार के लिए नगर पालिका के समर्थन में लगातार बढ़ रहा है, इसी तर्ज के ऊपर आने वाले परसों 20 तारीख को तमाम हरियाणा के अंदर विधायक और जो लोकसभा के सदस्य हैं उनको इनकी मांगों के समर्थन में ज्ञापन दिया जाएगा। उसके बावजूद भी हमें हमारी सीआईटी की तरफ से अलग से सेंट्रल कमेटी की जो हमारी अपील है, मतलब एक घोषणा है, एक योजना पूरे स्टेट कमेटी की यह है कि फिर भी उनकी मांग पूरी नहीं करते तो हमारी आशा वर्कर हैं, आंगनबाड़ी हैं, मिड डे मील हैं, वन विभाग के मजदूर हैं, टोटल हम इनका हकम स्ट्राइक पर जाने के लिए तैयार हैं यदि सरकार इनकी मांग नहीं मानती है।